नमस्कार पायनियर, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ जुड़े हैं जननायक जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह धनखड़ जी। आज हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में कि किस तरीके से उनके इस करियर की शुरुआत हुई और किस किस तरीके से उन्होंने इस अपने कार्यकाल में या फिर ऐसे ही आम जनता के लिए कार्य किया है। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से आपने राजनीति में कदम रखा। मैं जब छठी क्लास के पेपर दिए थे 1977 के अंदर, उस समय इमरजेंसी हटी थी और हम देखते थे बचपन से, जब 1975 से 1977 इमरजेंसी के दौरान जो घटनाएं घटी थी, तो उसका लोग जो है ना बीबीसी का से न्यूज़ आती थी उसको बहुत ज़्यादा सुनते थे। तो हमारे घर पे जो ना हमारे जो वहाँ एक बैठक थी, उस बैठक के अंदर गांव के सभी जवान बुजुर्ग बैठते थे 8:45 बजे की खबर सुनने के लिए और 8 बजे बीबीसी की खबर सुनने के लिए। तो उस समय से हमारे को थोड़ा जो ना राजनीति के अंदर रुझान हुआ था। जब 1977 के अंदर इमरजेंसी हटी तो उसके बाद जो ना हम बच्चे थे, तो उस समय हमने बुजुर्ग व्यक्तियों की वोट डलवाने का कार्य किया था। सर, आपकी पैदाइश कहाँ पे थी और आप फरीदाबाद में कैसे, और फिर कैसे आपने जो सफर है इसकी शुरुआत की? मेरी पैदाइश गांव करौता डिस्ट्रिक्ट रोहतक में हुई थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जो है ना फरीदाबाद आया था जॉब करने के लिए, और 35 साल पहले मैं फरीदाबाद आया था और उसके बाद जॉब करते करते मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और जब मैं फरीदाबाद आया तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन ने राजीव लोनावाल समझौते के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, और वहीं से जो है ना हरियाणा की राजनीति एक बार फिर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और उसी समय से मैं यहाँ पे फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ फरीदाबाद की राजनीति के अंदर, चाहे वो 1987 के चुनाव हो, 1991 के चुनाव हो, 1996 के चुनाव हो, 2000 के चुनाव हो, हर चुनाव 2000 के अंदर सबसे वरिष्ठ मैं ही हूँ जननायक जनता पार्टी के अंदर। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया कि वरिष्ठ हैं आप, तो कौन आपकी प्रेरणा रहा, किससे आपको ये प्रेरणा मिली और जो ये मेरे प्रेरणा स्रोत जो ना स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी रहे हैं, उन्हीं की नीतियों से प्रेरित होकर मैं राजनीति में आगे बढ़ा हूँ और आज तक उन्हीं की नीतियों को लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, फैमिली बैकग्राउंड से और कोई राजनीति में रहा? हाँ, गांव के अंदर राजनीति चलती रहती है, वहाँ बैठकों में यही काम होता है जब खाली होते हैं। मैंने डिप्लोमा किया था और डिप्लोमा करने के बाद मैंने यहाँ MNC कंपनी में फरीदाबाद और दिल्ली में 2007 तक कार्य किया है और उसके बाद मेरा अपना बिजनेस है। तो हाँ, आपने बताया कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, तो क्या क्या आपने आम जनता के लिए कार्य किए हैं सर, जरा उसके बारे में भी बताएं। मैंने जो भी मेरे पास कोई अगर शिकायत लेके आया है किसी तरह की, कोई भी सरकारी कार्य के लिए या प्राइवेट कार्य के लिए जो भी व्यक्ति आया है, मैंने पूरी भरपूर कोशिश की है उसको पूरा करने की। और मेरे को जहाँ तक याद है, कोई भी व्यक्ति मेरे घर पर आने के बाद खाली हाथ नहीं गया है, वो जो है ना उसको कार्य को मैंने पूरा करवाने की भरपूर कोशिश की है और कार्य पूरा करवाया है। जी सर, आज की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर जगह जो जनता है वो खफा, कहीं ना कहीं खफा नजर आ रही, क्योंकि किसान आंदोलन को ही आप उठा लीजिए, पूरे तरीके से वो कहती है कि सरकार ने जो बिल पास किए हैं वो उनके खिलाफ है, उनके हित में नहीं है। आपकी उस पर क्या राय है? देखो, जो सरकार जो भी होती है उसके खिलाफ जनता विरोध में होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई कार्य करती है तो उसका किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जी। तो जिसको नुकसान लगता है तो वो विरोध पे उतारू हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। और कोई भी सरकार आई हो आज तक, 1947 से लेकर आज तक जितनी भी सरकार आई है, उनका हमेशा जो है ना किसी न किसी मुद्दे को लेकर जनता ने विरोध किया है। जी। लेकिन हमारी पार्टी की जो सरकार में हिस्सेदारी है, हमारे जो नेता हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, उन दोनों ने खुल के कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को से सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने कई बार जो है ना बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात भी की है और उनको पत्र लिखकर भी अवगत कराया है अपनी भावनाओं को।
जिस तरीके से जो देश की जनता है खफा नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है फिर एक बार बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी, जनता के बीच अपना विश्वास है वो फिर टिका पाएगी? जनता जो है, जो चुनाव का टाइम आता है तो उस समय जो ना एक मुद्दे को लेकर वोट नहीं करती है, उसमें कई मुद्दे होते हैं और उन्हीं मुद्दों को परिणाम जो है ना जनता सुनाती है। तो हम ये नहीं कह सकते एक भी किसान आंदोलन से सरकार पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सरकार को नुकसान ज़रूर हो रहा है क्योंकि किसानों ने बढ़ चढ़ के जो ना सरकार को समर्थन दिया है, तो इसका नुकसान तो है। और मैं हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी की नीति है वो किसान और कमेरे को सर्वोपरि मानती है, उनके हितों की हमेशा उनके हितों की रखवाली किया है उन्होंने हमेशा, और आगे भी रखवाली करेगी। और इसीलिए हमारे नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं और प्रधानमंत्री को भी मिलकर भी और पत्र लिखकर भी अवगत कराया है। जी। इसमें दोनों तरफ से जो है ना कुछ झुकना पड़ेगा, जब समझौते होते हैं तो कोई कुछ ना कुछ जो है ना दोनों तरफ से झुकना पड़ता है। तो मेरी बीजेपी के नेताओं से भी, सरकार के मंत्रियों से भी और किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वो मिल बैठकर इस समस्या का समाधान कराएं देश हित में को देखते हुए। सर, जिस तरीके से इस महामारी के दौर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखा है कि जैसे कि सामने वाली पार्टी है, कांग्रेस के विधायक को या नेताओं को ही उठा लीजिए, फील्ड पर नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी अदर पार्टीज हैं, या फिर जेजेपी से ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से आपने इस महामारी के वक्त में इस पार्टी ने लोगों की मदद की है? जसपा पार्टी के जो नेता हैं हमेशा फील्ड में हैं, आप टीम कर रही है, और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष जो है जनरल के अरविंद भारद्वाज जी और नलिन हुड्डा जी की टीमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दोनों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं, मास्क बांटने का कार्य कर रही हैं और दवाइयाँ बांटने का भी कार्य कर रही हैं। कि जो है ना जहाँ जरूरत पड़ेगी, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के विचारों की पार्टी है, जो जिन्होंने हमेशा किसान और कमेरे वर्ग की भलाई के लिए कार्य किए हैं, और उसी पथ पर चलते हुए जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी और पार्टी के सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देख लिया होगा मेरे पास कितने फोन आए हैं। मैं जो है ना सुबह से शाम तक फोन अटेंड करता हूँ, किसी को दवाई दिलाने का कार्य करता हूँ, किसी को प्लाज्मा दिलवाने का कार्य करता हूँ, किसी को इंजेक्शन दिलवाने का कार्य करता हूँ। हम सुबह से लेकर शाम तक रात रात 10 बजे 11 बजे तक मेरा फोन हमेशा बजता रहता है, और जितने भी फोन आते हैं उनकी समस्याओं का निदान करने का मेरा प्रायोरिटी पे रहता है, और काफ़ी लोगों को जो ना इस महामारी के अंदर बचाने का कार्य मैंने और मेरी पार्टी के लोगों ने किया है। जी, इस बार के चुनावों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस तरीके से आपको और जनता के हित के लिए कार्य करना है? जननायक जनता पार्टी आने वाले समय में मार्जन के साथ हरियाणा के अंदर जीतने का कार्य करेगी, और मेरे को पूरा विश्वास है अगले आने वाले चुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी एक हीरो के तौर पर उभरेंगे और हरियाणा का नेतृत्व करने का कार्य करेंगे। जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी के वक्त में आप, कि किस तरीके से वो सतर्क रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें? मेरा लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, और मैं कहना चाहूँगा कि इस महामारी के अंदर जो कोविड की गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने जारी की हैं उनका पालन करना चाहिए, जिससे बीमारी ख़त्म हो और फिर एक बार फिर हम जो है ना दोबारा से अपने कार्य करने में शुरू करने में कामयाब हों। तो आप सुन रहे थे प्रेम सिंह धनखड़ जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी राजनीतिक जो करियर है उसकी शुरुआत हुई और किस किस तरीके से उन्होंने आम जनता के हित के लिए कार्य किए हैं। आज के लिए इतना ही, ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।